भाई ये भाई कहाँ जा रहे हो भाई? कुछ गया भाई? अरे यार आपने कहा गाड़ी खड़ी की आपको पता है? बात सुन मिंटू। हाँ भाई। वहां पर मुझे कुछ चीज दिखी है सामने की तरफ। कहाँ पे? रुको रुको आता हूँ। अरे यार भाई वही चीज है ना भाई, जब ये जो होटल बंद हुई ना। हाँ हाँ, ये होटल बंद होने के कारण यही कि उसे पत्थर आते हैं इस होटल में, यहाँ पर ये वाली। हाँ यार आगे मत जाना भाई, गलती मत करना आगे। गलती तो आप कर रहे हो, गाड़ी साइड में खड़ी कर सकते हो यार, पास अंदर ही बात करते हैं। चल बैठ, तो अंदर बैठना, अंदर बैठ भाई, अंदर बैठो, अंदर बैठ। ये काम करो यार, गाड़ी थोड़ी दूर लो। ओ ओ भाई पत्थर आया यार। सुना आपने मेरी बात? सुन पिंटू, वो देखो आवाज आ रही है। वो देखो भाई नहीं जा सकते, ये होटल बहुत हैवी हो चुकी है भाई, यहाँ पर बहुत इतनी खतरा सकती है पिंटू। यहाँ पर कोई कहते हैं कि ये होटल है इस होटल। पर भाई 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 गाड़ी लो यार, आगे लो ये भाई। कौन कौन? वो देखो उसे पिंटू। हाँ हाँ। सामने वो देखो उस कोने पे है ना। कहाँ पे? मेरे पास उस पेड़ पे कुछ दिखा यार, वो पेड़ है ना, उसी पेड़ के वहाँ कुछ दिखी चीज। मेरे पास वो लाइट है को चालू कर दे, दो लाइटें पड़ी। हाँ। नहीं हो तो और उजाला कर दो यहाँ पर। लाइटें फुल करना है वो देखो। हाँ हाँ यार भाई, यार लाइट फुल कर रखी है पेड़ के पास को। ये यार देखो। हाँ? पेड़ के पास को ये, वो देखो वो दे वो दे मेरे पास वो दे दोस्तों प्लीज, वो दोनों पेड़ के बीच में देखो वो कौन। अरे यार कैमरा आउट भी आ रहा है भाई, मेरी बात सुन। हाँ पिंटू यार वो देखो यार, मेरी बात सुन, खतरनाक चीज है यार। अरे यार वो देखो, वो देख दो पेड़ है ना। हाँ। वो पेड़ है उसके बाद एलो जो पट्टी लग रही ना। हाँ। उस पट्टी के बीच में एक हाँ, कोई खड़ा है ऐसा लग रहा है, व्हाइट कलर का कोई खड़ा है ना सामने। या दोस्तों मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, मेरी इतनी ताकत नहीं है मैं आगे जाके उससे सामना करूँ, क्योंकि ये जो जो भी चीज़ें ये पत्थर से हमला करती है। इससे अलावा ये दोनों कोई इसका जो रूप है ना कैमरे के सामने आता है ना, ऐसी कोई चीज़ है जो कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहती है। एक ही इसका उद्देश्य है कि यहाँ पर पत्थर आते हैं, इस होटल को कोई चालू नहीं कर सकता है, यहाँ पर आके कोई भी धंधा नहीं कर सकता है। पता नहीं यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आए, कई तांत्रिक आए, लेकिन इस होटल को चालू नहीं कर सके, आज भी नहीं कर सके और आज भी बंद पड़ी हुई है। और इसकी मैंने एक पिछले एक कई दिनों बाद एक वीडियो शूट की दोस्तों, लेकिन मैंने शूट पर नहीं किया। हाँ वो जो सामने वाइट वाइट चमक रहा है वो देखो, वो देखो भाई ये है खड़ा पास। मेरी बात सुन, पत्थर आया ना, चार पत्थर अपने सामने आ गए, ये बात सच निकली पिंडो। मेरी बात सुन यार, उस बंदे ने बोला बाकी में सही बात यार। सही यार दोस्तों, आप लाइव दे सकते, पक्का यहाँ खड़े नहीं रह सकते, नहीं खड़े रह सकते ना आगे। उसने बोला जैसे जाओगे ना, ये भी पत्थर सिर पर पड़ा ना अपने साथ गलत हो जाए। क्यों लेने आया यार खामो काम इसके, भले विश्वास करे चाहे नहीं करे, पर अपना काम है जो कर लेते, वो टेंशन नहीं लेने का। चीज़ बहुत खतरनाक भाई यार, बहुत खतरनाक, जंगल भी बहुत खतरनाक है भाई यार। पत्थर नहीं आ रहा अभी तक, देख जैसे उतरूंगा गाड़ी से। हाँ। अब देख, हाँ मेरी बात सुन पिंटू, पकड़ एक बात, कैमरा मुझे दो। मैं जैसे गाड़ी से उतरूंगा वो इस होटल की तरफ बढ़ूंगा। हाँ। पत्थर आने चालू हो जाएंगे। अब गाड़ी में बैठ गए, उस चीज को मालूम पड़ गया है कि ये वापस ऐसा क्यों होता है, मतलब पास क्यों नहीं। इसका कारण मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं इसका भी कारण बताता हूँ। होटल को जैसे ही मैं होटल की तरफ बढ़ूंगा और पत्थर आएंगे, देखना देखना पत्थर आने चालू हो गया। आराम से सिर पे नहीं लग जाए, ध्यान रखना यार, ऐसा रिस्क मत लो, इतना जरूरी नहीं है। हमने देख होटल की तरफ पड़ूंगा पत्थर आएंगे। हाँ और भाई 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 कटो यार, सिर पे लग जाएगी यार। वो देख चलो, ये दो पत्थर आ गए, देख दो पत्थर आए भाई। पर ऐसा क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पांच जने पत्थर आ रहे, मतलब इसका रीजन क्या है? देख फिर से देखना, मैं जा रहा हूँ। मतलब कहते हैं कि ये होटल चालू करने नहीं देती कोई चीज, जो भी है मतलब इस होटल के पीछे पड़ी हुई है। पर लेकिन ये पुराना कोई ऐतिहासिक चीज है जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है बंटो, पर लेकिन ट्रायल फिर से करते हैं भाई आराम से। ये हाईवे दोस्तों, गाड़ियों की आवाज भी आती होगी, किसी की हिम्मत नहीं यहाँ पर रुकते। हाईवे वालों को सबको पता है कि यहाँ पर होटल बंद पड़ी पहले, क्योंकि ये जो ट्रके वाले थे पहले यहाँ पर खाना खाते थे, लेकिन उन एक ट्रक वाले की मौत हो गई थी, उसके बाद
यहाँ कोई ट्रक नहीं रुकती बंटू, देखना भाई आराम से। हे मेरे नजर मिली, रक्षा करना हमारी बंटू। हां भाई, ओए 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 ओनो ओनो देख बंटू, भाई 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 सिर में नहीं लग जाए यार। मेरी बात सुन, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे से कर ले। अंदर बैठो यार, अंदर बैठो भाई। यार लोग कहते हैं पुराने लोग वाकई में सच बात कहते हैं यार। गाड़ी पे आके ले तो गाड़ी पे पत्थर मार दे तो। मेरी बात सुन। हाँ भाई पिंटू, ये है पर ऐसी क्या चीज है यार भाई, ये बात समझ में। ये जो जो चीज है ना यहाँ पर, कहते हैं कि एक ऐसा इंसान है लेकिन वो दिखता नहीं है, इतने स्पीड में पत्थर फेंकता है कंटिन्यू। इस पत्थर आए जो स्टोरी सुन ले आप दोस्तों, स्टोरी सुनना आप। होटल चालू करने वाले ने होटल चालू की, होटल चली, चलते ही चलते अचानक रात की 11 बजे से पत्थर आने चालू हुए। मतलब मालिक था जो सोया हुआ था, होटल 1 बजे बाद होल्ड हो गया था, मतलब 1 बजे बाद गाड़ियां आनी बंद हो गई थी यहाँ पर। उसके बाद वो जो सोए हुए थे, जो मतलब स्टाफ कम था उस दिन की बात ये थी, लेकिन सुनने में जो आया यही आया पिंटू, पत्थर इतने आए उसके ऊपर ना, बेचारा डर गया और उसने वहीं होश खो दिया, मारा नहीं था, वो भाग गया था यहाँ से। भागने के बाद अगले दिन मजाक में लिया लोगों ने, अरे क्या पत्थर आते क्या नहीं आते। ट्रक वालों को भी बताया जो गाड़ी आई थी दिन को, भाई यार ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता, मैं यहीं सोता हूँ रात को। जैसे रात को सोया वो, उसके बाद इतने पत्थर आए उस ट्रक वाले के, पत्थर लगा सिर में और मर गया। और उसके बाद ये होटल नहीं चलती, ये होटल बंद पड़ी। तो वे पत्थर आने का कहते हैं कि यहाँ पर शायद इतना बड़ा इंसान है कि करीब मतलब जो खजूर का पेड़ होता है ना, खजूर का पेड़, खजूर पेड़, खजूर का जितना पेड़ है ना उतना बड़ा एक इंसान रहता है यहाँ पर। अब तू देख ले वो कितना बड़ा इंसान है और वो पत्थर फेंकता है। पर उसे भाई ऐसा क्या चाहिए पत्थर मारता है, मतलब देख ये पुरानी बात है, यहाँ पर अच्छे अच्छे तांत्रिक आए, किसी की हिम्मत नहीं थी ये काम कर पाए। मेरे पास डर लग रहा है, अपने भी जगह छोड़ते हैं। आपके हालत खराब हो जाएगी, रिस्क नहीं लेते यार भाई। दोस्तों थोड़ा साथ लेते हैं, थोड़ा गला सूख रहा है, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं भी, क्योंकि ऐसी चीजें होती है जो लाइव हम उसी लोकेशन पे खड़े हैं वहीं से बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज अटकती है, तो माफ करना पिंटू, थोड़ा रिलैक्स लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।